नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 11 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात उस इंटरव्यू की जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया। ये एक ऐतिहासिक इंटरव्यू है क्योंकि 72 साल में पहली बार हजारों लोगों के सामने प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने पहली बार रजत जी के साथ मसूद अजहर के मुद्दे पर विस्तार से बात की। हजारों लोगों के बीच मोदी ने कहा कि अगर विरोधियों को यह लगता है कि मोदी यूनाइटेड नेशंस पर प्रेशर डालकर मसूद अजहर पर बैन लगवा सकता है तो यह अच्छी बात है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि मसूद अजहर को चीन ने इलेक्शन के टाइम पे छोड़ दिया, इलेक्शन के टाइम पे उनको डेजिग्नेट कर दिया टेररिस्ट। तो इनका प्रॉब्लम क्या है जी? पुलवामा हुआ और एकदम चालू पड़ गए, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। 40 लोग मारे गए, आपने देखा होगा, सुबह शाम मोदी क्या कर रहा, मोदी क्या कर रहा। अब किया तो किया क्यों, किया क्यों? अब मुझे बताइए, कल यूएन ने इतना बड़ा निर्णय किया, मैं हैरान हूं। आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के समय अजहर मसूद का निर्णय यूएन ने क्यों किया। अब क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजेगा क्या? क्या यूएन की मीटिंग मोदी तय करता है क्या? अच्छा, मान लीजिए जो कहता है, इतनी ताकत मोदी की है, फिर तो ये देश में मोदी को ही सब कुछ देना चाहिए। अगर यूएन से जो चाहे वो मोदी करवा सकता है, यूएन में चाहे वो डेट तैयार करवा सकता है, यूएन के अंदर चार फेज के चुनाव के बाद फिर एक तय तारीख करके करता है ताकि तीन फेज में फायदा हो, ये सब मोदी कर सकता है, तो फिर 130 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी के बढ़कर और कौन चाहिए? और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक इंटरव्यू आप आज रात 8 बजे इंडिया टीवी पर देख सकते हैं, जिसमें आपको नरेंद्र मोदी का बिल्कुल अलग और नया रूप देखने को मिलेगा। हजारों लोगों के बीच रजत जी के सवालों पर नरेंद्र मोदी के जवाब आप सुन पाएंगे आज रात 8 बजे। देश के दो महानायक फिर एक साथ। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? एक रात थी जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। फिर इतिहास बनेगा सिर्फ इंडिया टीवी पर।